हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या करना है इसके अंदर, आए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल के रखा है कि हमारे पास सिंपल एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म बोल के रखा है 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है इसका कि यहाँ पे जो हमारा थर्ड टर्म है ना, तो हम लोग थर्ड टर्म को ऐसे लिख सकते हैं A3। ओके, तो A3 हमें कितना दे के रखा है, सिंपल 4, तो ये हो गया आपका 4। और उसके बाद हमें नाइन्थ टर्म देके रखा है कितना, -8। तो हम लोग यहाँ पे नाइन्थ टर्म को ऐसे लिख सकते हैं A9 इज इक्वल टू, ये कितना देके रखा है, -8। ओके, इतना इन्फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद पूछा क्या है लास्ट में हमें कि सिंपल ये बताओ कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जहाँ पे हमारा वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमें वो टर्म फाइंड करने, कौन से नंबर पे हमारा जो होगा आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो सिंपल लास्ट टर्म हमें यहाँ पे कितना देके रखा है, 0। तो यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गया कि n हमारे पास सिंपल कितना है, 0, कि हमारा लास्ट टर्म 0 आना चाहिए, ये हमें फाइंड करना है। और ये फाइंड करना है तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या आएगा उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। ओके, तो देखिए सिंपल हमारे पास n तो मिल गया, a और d की वैल्यू मिल जाएगा, तो मैं यहां पे n की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं आराम से। तो सबसे पहले हमें यहां पे a और d की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग यहां पे फाइंड करते हैं। तो देखिए मैं a3 को सिंपल इस तरीके से लिख सकता हूं, a3 इज इक्वल टू a प्लस, इससे कम कितना होगा आपका, 2 और इनटू डी। ओके, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये बहुत ही डीप में हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में समझे हैं। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत है इसके अंदर तो आप ये वीडियो जरूर चेक कीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, अब उसके बाद फिर मैं यहाँ पे A9 को कैसे लिख सकता हूँ, A9 इज इक्वल टू A प्लस, इससे कम कितना होगा, सिंपल 8 इंटू डी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए A3 हमारे पास सिंपल कितना देके रखा है, 4, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू, A की वैल्यू हमें नहीं पता तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा, प्लस 2 इंटू डी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो A9 हमारे पास कितना है, -8, तो ये हो गया आपका -8 इज इक्वल टू, A की वैल्यू हमें नहीं पता तो ये एज इट इज, और ये भी नहीं पता तो ये भी एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे आगे सॉल्व नहीं होगा, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हमारे पास कौन सा मेथड आता है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और अगर आपको एलिमिनेशन मेथड में कुछ भी दिक्कत है तो ये वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखें कि कैसे हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करने के लिए मैं इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे लिख लिया। अब हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो उसके लिए सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं, इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, खत्म करना होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे a है, ये दोनों प्लस में है, अगर मैं इसको माइनस बना दिया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और अगर हम लोग एक में साइन चेंज करेंगे तो सभी में साइन चेंज करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -8 है तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन किसका है, माइनस का, तो ये माइनस, और 8 में से 2 गया, कितना बचा आपके पास, 6, और ये डी एज इट इज। अब डी की वैल्यू निकालना है तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, डी एज इट इज, और यहाँ पे ये -6 इज इक्वल टू के साथ आके क्या हो जाएगा आपका, 12 के साथ में डिवाइड में। ओके, अब जब सॉल्व होगा तो सिंपल डी की वैल्यू हमारे पास कितना मिल गया, 6 × 12, और माइनस एज इट इज, तो ये डी की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, -2। अब हमें यहाँ पे ए की वैल्यू निकालना है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग चाहो तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी इस डी की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल डी की वैल्यू कितना है, -2, तो पहले इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं ये। अब डी कितना हमारे पास, -2, तो ये हो गया आपका -2। आगे बढ़ते हैं, तो ये एज इट इज, ए एज इट इज, प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 2 × 2 कितना हो जाएगा हमारा, 4। वैल्यू निकालना है हमें यहाँ पे a का, तो ये जो है इसके साथ में माइनस में है, इज इक्वल टू के इस साइड आगे क्या हो जाएगा आपका, प्लस 4 इज इक्वल टू a। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो सिंपल हमारे पास a की वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो देखिए हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई और d की भी वैल्यू मिल गई। अब जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए a कितना हमें देके रखा है, 0, a की वैल्यू हमारे पास कितना आया है, 8, प्लस n की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एज इट इज, और d की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना आ गया है यहाँ पे, -2, तो ये हो गया आपका -2। सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे प्लस में है, इज इक्वल टू के इस साइड आगे क्या हो जाएगा आपका, -8। ओके, n -1 एज इट इज, -2। अब बढ़ते हैं आगे, तो हमें वैल्यू निकालना है n का, तो ये इज इक्वल टू के इस साइड आगे क्या हो जाएगा आपका, -8 के साथ में डिवाइड हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसल, और 2 1s और 2 4s इज इक्वल टू n -1। अब यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ
4 इज इक्वल टू एन माइनस वन। वैल्यू निकालना है हमें एन का, तो इसके साथ में ये माइनस वन है वो इज इक्वल टू के इस हटा के क्या हो जाएगा सिंपल प्लस वन इज इक्वल टू एन। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा सिंपल आंसर कितना आ गया 5। तो एन की वैल्यू सिंपल कितना आ गया 5 आ गया। मतलब क्या है इसका कि अगर आप देखेंगे तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फिफ्थ टर्म ऐसा होगा जहां पे वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।